अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रामपुर के रज़ा लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ मास्क इत्तेफाक़ से नहीं था हमारे पास में, तो रुमाल बांधना पड़ा है। और आप देख रहे हैं पीछे ये रज़ा लाइब्रेरी है और आज हम अंदर घूमेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। इत्तेफाक़ से मैं आज रामपुर आया हुआ था और आपको दिखा दूँ पूरा पीछे का व्यूज़। और चारों तरफ देख सकते हैं ये खूबसूरत गार्डन है इसके चारों तरफ, और इसको किला भी कहा जाता है रामपुर का। चलिए अब चलते हैं अंदर लाइब्रेरी में, फिर दिखाएंगे आगे का नज़ारा। देखिए अब इस वक्त हम बढ़ रहे हैं रज़ा लाइब्रेरी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तो आप देख सकते हैं और ये कुछ उर्दू में लिखा हुआ है बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में। ये इसका मेन गेट है जो हम एंट्री करने जा रहे हैं अब इस वक्त। बहुत तेज़ गर्मी है, ये देखिए चारों तरफ से इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत गुलशन है रज़ा। ये देखिए एंट्री गेट है और हम अंदर जा रहे हैं इस वक्त रज़ा लाइब्रेरी में। इत्तेफाक़ से ब्लूटूथ नहीं लाया हूँ मैं, तो आवाज़ की दिक्कत हो सकती है। अब हम अंदर की जानिब आ चुके हैं, रज़ा लाइब्रेरी में एंट्री कर चुके हैं अंदर। और ये ऊपर खूबसूरत नज़ारा देखें, झूमर लगे हुए, बड़ा ही खूबसूरत बनी है। बहुत दिल खुश हुआ है इस लाइब्रेरी को देख करके। मैं आपको बता दूं कि ये लाइब्रेरी है, लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ बोलना अलाउ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, बोल करके वीडियो नहीं बना सकते। इसलिए मैंने अलग से अपनी ऑडियो दी है, यहाँ बस सिर्फ आपको वीडियो देखा, वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ और बाद में ऑडियो इसमें ऐड की जा रही है। ये और अंदर की जानिब जा रहे हैं, इस तरह से ये यूँ कहें कि मूर्तियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर। और अगर देखा जाए कोई 5-स्टार होटल से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, दिल खुश करने वाली जगह है। मैं आपको बता दूं कि एशिया की दूसरे नंबर की ये लाइब्रेरी है। जितनी जानकारी मुझे है मैं उसमें आपको कोशिश करूँगा बताना, लेकिन मेरा मकसद यह है आपको रज़ा लाइब्रेरी दिखाना। मैं खुद भी बहुत दिन से सोच रहा था रज़ा लाइब्रेरी घूमूं और वीडियो बना करके आप लोगों तक भी पहुंचाऊं अपने व्यूवर्स से। ये मॉडल है इसका पूरा, तो आज मैं आया यहाँ और जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको कोशिश करूँगा इसके बारे में बताना। ये पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के यहाँ आए थे, इन्होंने रज़ा लाइब्रेरी के बारे में कुछ लिखा था जो इस पर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ ये एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और जैसा कि मैंने इस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है, यहाँ 30,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, हर मज़हब की किताब मौजूद है यहाँ और हर लैंग्वेज में। मैंने खुद देखी, अभी आप देखेंगे भी आगे चल के। पहले तो आप इसका खूबसूरत नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही शानदार। आप खड़े होकर बैठ करके कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं इसमें, और ये फ्री है, इसका कोई भी टिकट नहीं है। ये आप ये ख़ास बात है यहाँ की कि ये फ्री है, इसका कोई टिकट नहीं है। आप अपने कोई भी आर्टिकल वगैरह भी यहाँ लगा सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं, लोग आपके आर्टिकल को या आपकी लिखी हुई चीज़ को पढ़ेंगे, देख भी सकते हैं। आप देखिएगा ये अंदर का नज़ारा है। और भाई खूबसूरती देख कर तो मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि खूबसूरत बहुत है। बोल नहीं सकते इसलिए हम सिर्फ वीडियो दिखा रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा है, इस तरह से ये पुराने ज़माने की तस्वीरें पत्थर की बनी हुई हैं, और ये पिस्तौल वगैरह, रिवॉल्वर, ये सब पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल होती थी नवाबों के द्वारा, वो सब यहाँ मौजूद हैं। म्यूज़ियम भी कह सकते हैं इसमें इसको। और किताबें तो बहुत सारी हैं इसके अंदर, किताबें बहुत सारी हैं, 30,000 से ज़ायद किताबें हैं, और लोग यहाँ आकर के बैठ के पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ाई होती है। इस वजह से हम खुद यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते आवाज़ में, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, आवाज़ बाद में। ये अंदर का नज़ारा देख लिया, अब हम वापस बाहर आए हैं और बाहर का खूबसूरत नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं। रामपुर शहर के, रामपुर में ये 20 शहर में मौजूद है, और इसके ये किला भी बोलते हैं इसको रामपुर का। और ये आप बाहर से नज़ारा देखें, आप जब भी रामपुर आएँ तो ये तस्वीरें, ये जगह ज़रूर देखें। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, बताएँ कैसी लगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।